देखिए हमारे पास एक डेल इंस्पिरॉन 3520 का एक लैपटॉप आया है जिसमें शॉर्टिंग था। अब इस शॉर्टिंग को कैसे हटाना है ये सब बताऊंगा। ये उसका लैपटॉप मदरबोर्ड हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है, मदरबोर्ड निकालिए। उसके बाद इसका स्कीमेटिक डाउनलोड किए थे, उसके बाद हम चेक किए तो पाए कि इसमें एक मॉस्फेट, ये देखिए 8 लेग का मॉस्फेट है, ये शॉर्टिंग है। अब ये मॉस्फेट शॉर्ट है कि ओके है कैसे पहचानेंगे, इसमें हम चेक करके बता रहे हैं। देखिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कीजिए, करना पड़ेगा। ये देखिए ये बजर रेंज में सेट किए, इसमें साउंड आ रहा है। अब इसमें जैसे दोनों तरफ हम लोग ये करेंगे ड्रेन और सोर्स, ड्रेन और सोर्स में देखिए 0-0 आ रहा है, वैल्यू देखेंगे 0-0, मल्टीमीटर में 0-0 और बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पास एक रजिस्टर है, फिर भी मतलब ये शॉर्टिंग है, उसके हटाने के बाद भी इधर शॉर्टिंग आ रहा था। ऐसे हम यहाँ अभी ट्रैक में चेक किए, यहाँ ओके हो गया मगर फिर भी शॉर्टिंग था। तो उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पास एक रजिस्टर था, ये वाला जो फ्यूज़ का काम करता है, ये रजिस्टर, इसको हम निकाल दिए। अब देख रहे हैं इस तरफ भी शॉर्टिंग है, अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए उधर देख पाएंगे, मल्टीमीटर की ओर दिखाओ, 0004 लगभग शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, शॉर्टिंग चेक करने के लिए दोस्तों आपको डीसी मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास एक डीसी, इसको हम ऑन कर देते हैं, ये इसको 19 है, उसको हम कम कर देते हैं, ठीक है, ये बात है, या फिर 19 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मगर इसमें कम दे देंगे नहीं तो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम सेट करें, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड वाला पिन है, देखिए ये ब्लैक, हम इसको ग्राउंड में लगाएं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इधर देखिए, इधर जैसे ओके है, इधर पूरा ओके है। अब ये डी प्लस जो है, ए डी प्लस करके है, इस मेटिंग में देखेंगे तो ए डी प्लस करके आता है, वो पूरा शॉर्टिंग है, मतलब इसमें और दिखला देता हूँ, जैसे 19 वोल्ट जहाँ जहाँ जाता है वो सब शॉर्टिंग है। एग्जांपल के लिए देख पा रहे हैं यहाँ 19 वोल्ट आता है, ये देखिए ये शॉर्टिंग है, मतलब इसमें किसी ना किसी कैपेसिटर में शॉर्ट हो सकता है, कोई आईसी में शॉर्ट हो सकता है, जो भी चीज़ शॉर्ट होगा इसमें पता चल जाएगा। ये देखिए इसके लिए हम, ये ग्राउंड वाला है, इसको हम ग्राउंड में लगाएंगे। अब ये देखिए हम इसको ग्राउंड में लगा दिए, ये ऑन कर दिया, आउटपुट हम इसको ऑन करेंगे, ये एम्पियर है 5, इसको कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भी रखेंगे तो वो जो फास्ट हीट होगा, ये ऑन कर दिए, ठीक है। अब इसको हम, ये देखिए पॉजिटिव वाला है प्लस, ये वोल्टेज वाला है, इसको हम जैसे यहाँ लगाएंगे, देखिए एम्पियर तरफ भी ध्यान देंगे, एम्पियर दिखाइए, ये देखिए जैसे ही लगाया हूँ एम्पियर पूरा गिर गया, 1.9 वोल्ट आ गया है और एम्पियर तो शॉर्टिंग बता रहा है। ये देखिए जैसे हटाया फिर यहाँ रेड लाइट जलने लगेगा, मतलब शॉर्टिंग है, ये देखिए जैसे लगाऊंगा रेड हो गया, इसमें फुल शॉर्टिंग है। अब ये इसमें कोई कंपोनेंट हीट हो रहा होगा, ठीक है, इधर दिखाएंगे, ये देखिए इधर कोई ना कोई कंपोनेंट हीट होगा, जैसे अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे और कहीं टच करते जाएंगे, ऐसे खुले हाथों से टच करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हीट होगा इसमें, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाता है, ये दो दो पेयर वाला कैपेसिटर है उसमें हम देख सकते हैं। अब यहाँ तक ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हीट लग रहा है, ये वाला पार्ट्स देखते हैं, फिर से ये लगाऊँगा उसके बाद पता चल जाएगा। ये देखिए जैसे लगाया हूँ ये यहाँ पर हीट हो रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ यहाँ एकदम ओवर हीट हो रहा है, ये इस वक्त चारों कैपेसिटर है, उसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग होगा। इसमें हम अब इसको चार है कैपेसिटर है, इसमें कौन सा शॉर्टिंग है कैसे पता करेंगे, तो इसमें एक एक निकाल निकाल करके चेक करना पड़ेगा कौन सा शॉर्टिंग है। चारों में वही सेम प्रॉब्लम है, अब इसको हम निकाल के देखेंगे, एक एक रिमूव करते जाएंगे, निकाले हैं, इसमें एक शॉर्टिंग होगा कोई ना कोई, हो सकता है इसमें अगर ना हो तो और भी है कैपेसिटर, उसको भी निकालना पड़े। पहले तो देख लेते हैं इसमें, इसको चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग अभी भी है कि नहीं। ये देखिए शॉर्टिंग हट गया है, इधर देख सकते हैं, इसमें बजर साउंड नहीं आ रहा है, मतलब बज जो मल्टीमीटर का बीप साउंड जो है बंद हो गया, मतलब शॉर्टिंग हट गया है। इन चारों में से कोई कैपेसिटर शॉर्ट रहा होगा, इसको हम और चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है, इसमें इसमें जैसे दोनों सिर में टच करता हूँ ये बजने लगता है, ये देखिए 0.35, ये देखिए ये अभी भी, इसको जैसे मैं टच किया हूँ शॉर्टिंग बता रहा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर ये दिख रहा है दोस्तों, ये दोनों टच किया हूँ, दोनों सिरा कैपेसिटर का, ये देखिए ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था, ये वाला जो है इस शॉर्ट था, उसके कारण से पूरा मदरबोर्ड शॉर्टिंग दिखा रहा था।
ये और ये हमारा मॉसफेट, ये दो चीज़ शॉर्टिंग था। ये देखिए मॉसफेट भी अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है, 000 तक आ रहा है। ये देखिए ठीक है, ये पेस्ट लग गया। अब इसको एक बार और चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग कहीं है कि नहीं है। ये देखिए इसमें 4 कैपेसिटर निकाले थे, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये हम नए कैपेसिटर लगाए हैं और ये देखिए यहाँ अगर शॉर्टिंग रहता इधर तो यहाँ भी बजने लगता है, मगर यहाँ वैल्यू दिखा रहा है, कुछ वैल्यू आता है फिर चला जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पास एक मॉसफेट लगा था, और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये पी चैनल है एन चैनल है कैसे पता चला। तो मदरबोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम है, दिख रहा है ये हमारा मॉसफेट नंबर है, यहाँ पर ये मॉसफेट पार्ट नंबर दिया है PU3801, ये PU3801 ये वाला मॉसफेट है। ये देखिए यहाँ से जो आ रहा है आपका, ये ड्रेन है 4, 5, 6, 7, 8, ये जो ड्रेन है यहाँ से आया है। ये देखिए ये आपका एनोड और कैथोड सिरा है, ये पॉजिटिव वाला है आपका, ये पॉजिटिव है मतलब ये ड्रेन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव जो है ड्रेन से जुड़ा है मतलब आपका हो गया पी चैनल है। इसको आप यहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट करेंगे गूगल में तो बता देंगे इसको कॉपी किए। अब उसको हम जैसे यहाँ पेस्ट करेंगे गूगल में, हम पेस्ट करेंगे तो आपको दिखला देगा कि ये कौन सा चैनल है। इसको हम जैसे पेस्ट कर दिए मतलब मॉसफेट को हम जान सकते हैं कि कौन से चैनल का है। इसको हम आगे बढ़ते जाए बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं ये लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ पास ये जो है नंबर A04407ALP चैनल है, 30 वोल्ट 12 एम्पियर, ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है। इससे भी पता चल कर सकते हैं, और एक है इसका डाटा शीट निकाल सकते हैं, ये डाटा शीट से भी पता चल जाएगा। ये डाटा शीट निकाल लिए, ये हमारा डाटा शीट है। ये देखिए ये एनोड सिरा जो है ड्रेन है, सोर्स है, ये गेट है ठीक है। ड्रेन से ये हमारा मॉसफेट नंबर है A04407A, ये हमारा इस डाटा शीट है। इसमें जो ड्रेन है ये एनोड की ओर है, एनोड पॉजिटिव की ओर है, मतलब ये पी चैनल है, पी मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव जहाँ ड्रेन आपका एनोड डिपेंड करता है कि एनोड की ओर है या कैथोड की ओर। अगर एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव की ओर है मतलब आपका पी चैनल है। अगर यही अगर ऐसे एनोड तरफ रहता तो ये नेगेटिव होता, मतलब ये आपका एन चैनल होता। ये आपका पी चैनल मॉसफेट है, इससे भी पता चल सकता है। और आपको ये मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अगर शॉर्टिंग है तो उसका डाटा शीट निकाल करके चेक कर सकते हैं ठीक है। या फिर आपका स्कीमेटिक है, अगर कोई मदरबोर्ड का आपके पास स्कीमेटिक है उससे भी पता चल जाएगा। ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड करके रखे हैं, ये हमारा मॉसफेट है 8 चैनल का मॉसफेट है। ये देखिए यहाँ लिखा है 1, 2, 3 सोर्स है और ये चौथा आपका गेट है। जैसे गेट इनेबल करेगा यहाँ से, जैसे कि इसमें पूरा दिया हुआ है डाटा शीट, जैसे डीसी इन होता है, ये अपना डीसी कनेक्टर है, इसमें बीच बीच में कंपोनेंट यूज़ किया है, ये डीसी इन है, इधर डीसी इन करके लिखा है, ये हमारा डीसी जैक है। यहाँ से वोल्टेज जैसे ही हम सब 19 वोल्ट सप्लाई देते हैं अडाप्टर से, तो ये इधर से फर्स्ट इसी में आता है, मतलब इधर से छोटे छोटे कंपोनेंट डायोड वगैरह यूज़ किए हैं, मतलब ट्रांजिस्टर डायोड रजिस्टर कैपेसिटर ये सब यूज़ किए हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें देख पाएंगे कि डीसी इन से आ रहा है आपका 19 वोल्ट यहाँ से आएगा। जैसे ये गेट इनेबल होगा यहाँ से कुछ कुछ कंपोनेंट यूज़ किए हैं, जैसे कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये हमको ये थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे, ये जैसे ही इधर से डीसी इन होगा यहाँ से गेट इनेबल होगा, उसके बाद ये ड्रेन से अपना 19 वोल्ट फिर से सप्लाई करेगा जो कि सारे कैपेसिटर्स में जाएगा। और ये आपका डीसी AD प्लस मतलब ये आपका पूरा सेक्शन में बटेगा, ये AD प्लस एक और मॉसफेट से हो करके जाएगा, ये आपका AD प्लस यहाँ आएगा। और दिखाता हूँ इसको हम कॉपी किए कहाँ कहाँ जा रहा है, उसको भी हम आप पेस्ट करके दिखा सकते हैं। ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। स्कीमेटिक डायग्राम जैसे आपको मालूम नहीं होगा तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे चेक करते हैं। ये देखिए AD इन है PU4002, ये आपका PU4002 ये वाला है। ये देखिए यहाँ पार्ट नंबर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप मदरबोर्ड में, ये जो पार्ट नंबर है PU002 ये आपका ये वाला मॉसफेट है, और PU3801 ये आपका जो शॉर्टिंग वाला मॉसफेट है वो निकला हुआ है वो वाला है। तो इसको ये शॉर्टिंग वाला मॉसफेट है, इसको हम लगाएंगे। इसमें भी मार्क हुआ दिया हुआ रहता है कि कैसे लगाना रहता है। एक है ये सोर्स से यहाँ से
पिन नंबर एक से आईसी लगाएंगे। अब इसको लगा करके देखते हैं। ओके वाला मॉस्फेट लगाएंगे जो हमारे पास नया है उसको, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये बोर्ड ओके हुआ कि नहीं हुआ। हाँ चलो, ये देखिए हम इसको लगाए, पेस्ट लगाए, अब ये मॉस्फेट लगा रहे हैं। ये जो नया मॉस्फेट है उसको लगाए हैं। अब उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या है कंडीशन। हम इससे सबसे पहले इसको डीसी कनेक्टर को लगा देते हैं। देखिए कनेक्ट किए, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, मतलब ये देखिए मदरबोर्ड ओके हो गया है। यहाँ से देखिए ये लाइट जल रही है, फैन ऑन है, फैन ऑन है, ये देखिए देख पा रहे हैं फैन ऑन है। वो अर्थिंग फर्स्ट मारेंगे,